हेलो दोस्तों, दसो बीस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जिसके लिए यहाँ एक लौकी ले ली है, उसे छील लिया है, उसे बीच से काट करके बड़े छेद वाली किसनी से इसे किस लेते हैं। देखिए, इस तरह से सारे लौकी को किस के एक प्लेट में रख लेना है। फिर इसमें डाला है थोड़ा सा नमक ताकि लौकी का पानी निकल सके। इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह नमक मिला करके रख देंगे। फिर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में जीरा डाला है, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाली है, अदरक के कुछ टुकड़े डाले हैं और लहसुन की कुछ कलियां डाली हैं और 2 बड़े प्याज इस तरह से काट के डाल दिए हैं। इसे हल्का सा लाल होते तक तल लेना है और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। जार में डाल करके इसे पीस लेते हैं तो इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मसाला बनकर तैयार है। और फिर जो हमने लौकी में नमक डाल के रखा था, उसे निचोड़ करके एक साफ़ पानी में डालते जाएंगे और लौकी को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। इसी तरह हाथ से दबाते हुए इसे साफ़ पानी में डाल करके निचोड़ के एक प्लेट में रख देना है। एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 4 चम्मच बेसन डाला है मैंने, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला। अब सभी को मिला लेते हैं हाथों से और इसका एक पेस्ट बना के बैटर जैसा बना करके गाढ़ा रख लेते हैं। चलिए, तो ये तैयार हो चुका है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, चम्मच से डाल के मैंने पहले देखा था पर ये अच्छी तरह से बन नहीं रहा था। फिर हाथ से इसे गोल गोल करके डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा कड़ा नहीं रखा है, एकदम सॉफ्ट बना है। सॉफ्ट कोफ्ता ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कड़क अच्छा नहीं लगता। इसे गोल्डन ब्राउन होते तक तल लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। फिर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 चम्मच तेल, बारीक कटा हुआ एक प्याज और तेज पत्ता डाल दिया है। फिर जो मसाला पीस के रखे थे उसे डाल देना है। मसाले को कम से कम 5 मिनट तल लेना है ताकि वो अच्छी तरह से तला जाए। देखिए, फिर यहाँ मसाले डाल देते हैं, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे भी 5 मिनट अच्छी तरह से पकने देते हैं। फिर यहाँ पे डाला है 1/2 लोटा पानी, बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना है मुझे। ढक देते हैं, पानी में उबाल आने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले वाले पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें डाल देते हैं तले हुए कोफ्ते, तो इसे 5 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम में पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते की सब्ज़ी बन चुकी है, मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? धन्यवाद।